अभी अभी एक बड़ी खबर कांग्रेस के लिए आई, बड़ी खुशखबरी। अभी अभी आए चुनाव नतीजों में कांग्रेस की जबरदस्त जीत हुई है। तो वहीं नरेंद्र मोदी के पीएम पद की शपथ लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस का खराब प्रदर्शन रहा, वहीं अब कांग्रेसी खेमे में लोकसभा चुनाव में मिली हार के कारण गम के माहौल को एक बार फिर से खुशी में बदल दिया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जहां महज 52 सीटें मिली थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटों के साथ प्रचंड जीत मिली थी। लेकिन इस चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी जीत हुई है। सूत्रों के मुताबिक मिली खबर के अनुसार आपको बता दें कि इस चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से हुए चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है। दोस्तों, क्या बैलेट पेपर से यह चुनाव होने पर कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत मिली है? क्या अगर बैलेट पेपर की जगह ईवीएम से चुनाव होता तो क्या कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ता? और क्या बीजेपी को लोकसभा की तरह इस चुनाव में भी बड़ी जीत मिलती? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दरअसल हमारा सवाल यह आपसे इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटों के साथ मिली प्रचंड जीत के बाद विपक्षी पार्टी के नेताओं ने ईवीएम पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे और विपक्षी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा ईवीएम से छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया था। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में हुए कर्नाटक नगर निकाय चुनाव हुए थे, जिनके नतीजे शुक्रवार को घोषित किए गए। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि कुल 1221 सीटों वार्डों पर, जिसमें कुल 7 शहरी म्युनिसिपल काउंसिल के 217 सीटों पर, 30 शहरी म्युनिसिपल काउंसिल के 714 सीटों पर और 19 नगर पंचायतों की 290 सीटों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिनमें 7 शहर म्युनिसिपल काउंसिल की 217 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को कुल 56 सीटें मिली हैं, जबकि 217 सीटों में से कांग्रेस को कुल 90 सीटों पर जीत हासिल हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस गठबंधन वाली जेडीएस को 217 सीटों में से कुल 38 सीटें मिली हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी को कुल 2 सीटें मिली हैं। वहीं निर्दलीय को कुल 25 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं अन्य को कुल 6 सीटें मिली हैं। दूसरी तरफ 30 शहरी म्युनिसिपल काउंसिल के 714 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 714 सीटों में से कुल 184 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस को 714 सीटों में से कुल 322 सीटें मिली है। वहीं जेडीएस को कुल 102 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी को सिर्फ 1 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ सीपीआईएम, निर्दलीय एवं अन्य को मिलाकर कुल 105 सीटें मिली है। 19 नगर पंचायतों की 290 सीटों के परिणाम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 290 सीटों में से सबसे ज्यादा 126 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि कांग्रेस को 290 सीटों में से 97 सीटें मिली है। तो वहीं कांग्रेस गठबंधन वाली जेडीएस को कुल 34 सीटों पर जीत मिली है, जबकि अन्य को 290 में से कुल 33 सीटों पर जीत हासिल हुई है। कुल टोटल सीटों की बात करें तो तीनों को मिलाकर 1221 सीटों में से कांग्रेस को कुल 509 सीटों पर जीत मिली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 1221 सीटों में से कुल 366 सीटें पर जीत मिली है, जबकि जेडीएस को कुल 174 सीटें मिली हैं। वहीं अन्य के खाते में कुल 172 सीटें गई हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जहां कर्नाटक की 20 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ अपना खाता खोलने में कामयाब हुई थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कुल 25 में से 24 सीटें जीती थी। अब इस चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जहां इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 8 पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव में हार गए थे, जबकि कांग्रेस पार्टी को 29 में से 17 राज्यों में खाता तक नहीं खुला था, अब एक बार फिर से निकाय चुनाव में मिली जीत से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।